कि आज हमारे समक्ष हैं राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर श्री सीपी जोशी जी और माननीय सांसदगण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का पारंपरिक स्वागत करेंगे। धन्यवाद। माननीय सांसद सुश्री दिव्या कुमारी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट करेंगी और उनका स्वागत करेंगी। सुश्री दिव्या कुमारी जी, धन्यवाद। माननीय सांसद श्री कनकमल कटारा जी एक कलश भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे जी। सुस्वागतम एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी, आप यहां पधारे, बहुत बहुत आभार आपका। और एक स्मृति चिन्ह माननीय सांसद अर्जुन मीणा जी माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे उनके स्वागत में। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। महाराजा राणा प्रताप जी की कर्मभूमि पर हम खड़े हैं, वीरों की भूमि पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय सांसद सुश्री दिव्या कुमारी जी, आपको मैं स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं, कृपया आए। भारत माता की। भगवान श्रीनाथ जी की पावन धरा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, राणा कुंभा और राणा राज सिंह जी की कर्मस्थली, मां पन्नाधाई के त्याग की भूमि, राजसमंद में भारतीय गणराज्य के परम यशस्वी सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कालराज मिश्र जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी जी, माननीय श्री कनकमल कटारा जी सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर, माननीय सांसद उदयपुर श्री अर्जुन राम मीणा जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल जाटव जी, और पंडाल में पधारे हुए सभी मेवाड़ मारवाड़ से पधारे हुए सभी भाइयों का, बहनों का, नागरिक बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हमारे लिए अत्यंत खुशी और गर्व की बात है कि हम भारत के अंतिम व्यक्ति की सेवा में समर्पित भारत के प्रधान सेवक के सम्मान और स्वागत के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि बिना अवकाश रात दिन भारत को अमृत काल में विश्व गुरु बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुझे अभिनंदन स्वागत करने का अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश के हर राज्य के विकास से ही देश का विकास संभव होगा। आज इसी भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पधारे हैं, जिन कार्यों के आज शिलान्यास होने जा रहे हैं, ये सभी राजस्थान की जनता के लंबे समय से मांगे थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इन सभी को साकार किया। हम उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाली मावली मारवाड़ रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य, राजस्थान के दो बड़े भूभागों को जोड़ेगा, जिससे इन दोनों क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा मिलेगी। इतना ही नहीं, मारवाड़ मेवाड़ व मालवा का जो सदियों पुराना नाता है, उसे देखते हुए इस रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन व मालवा से जोड़ने की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे क्षेत्रवासियों से, मेवाड़ के वासियों से, मावाड़ के वासियों से, सभी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य के साथ देश के विकास में जुटे हैं। इसी का नतीजा है कि श्री चारभुजनाथ जी से श्रीनाथ जी को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास, मंडियाना से नाथद्वारा रेलवे लाइन का शिलान्यास, बर से जोधपुर नेशनल हाईवे और उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे का लोकार्पण जैसे मेवाड़ के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राजस्थान में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसका उदाहरण है कि इस साल केंद्र रेल बजट को 49% बढ़ाते हुए करीब 2,50,000 करोड़ किया गया है और उसमें राजस्थान के लिए 9,532 करोड़ का प्रावधान भी दिया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में राजस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश में राजमार्गों का लगातार जाल बिछाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे राजमार्ग बनाए जा रहे हैं जिन पर लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक सर्किट जैसे कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, हेरिटेज सर्किट, डेजर्ट सर्किट के माध्यम से लगभग 2025 करोड़ का प्रावधान रखा है। राजस्थान के सबसे बड़े उद्योग पर्यटन के विकास को पंख लगा दिए गए हैं और इन सर्किटों के माध्यम से श्रीनाथ जी, चारभुजनाथ जी, सांवलिया सेठ जी, गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी, सलासर बालाजी, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र आदि को विकसित कर राजस्थान की वीर धरा के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग सुगम किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भी भारत को प्राप्त हुई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये
सौगात भी हमको प्रदान की और उदयपुर में G20 की पहली बैठक भी हुई थी। ये भी हम सभी मेवाड़ वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा हम सभी के लिए गर्व की बात है। समावेशी विकास के जननायक माननीय प्रधानमंत्री जी, जहां एक तरफ देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, वहीं इस बात की भी चिंता करते हैं कि समाज के हर वर्ग को सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर सके। अंत में आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ इस मार्ग की आधारशिला रखने वाले कर्मयोगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं मेवाड़ की जनता को नमन करती हूँ। और हमारी सभी की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मेवाड़ की धरती पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। और अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। सर, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धे कलराज मिश्र जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीबी जोशी जी, हमारे पीठभूमि मंत्री भजनलाल जाधव जी, शानचंद भाई चंद्र प्रकाश जोशी जी, आपके लोकप्रिय यहाँ की सांसद बहन दिया कुमारी जी, सांसद कनक कुमार कटारा जी, अर्जुन लाल मीणा जी और तमाम उपस्थित अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि वे आज करीब 4 लोकार्पण नेशनल हाईवे के और 3 का शिलान्यास रेलवे के प्रोजेक्ट का करने के लिए हमारे पीछे मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। भूभाग की दृष्टि से यहाँ पर कई तो गांव नाम के रह गए, ढाणियों में लोग बसे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियाँ बहुत लंबी है, इसलिए प्रधानमंत्री जी मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा, राजस्थान की योजनाओं में जब हम लोग पानी पहुँचाते हैं, बिजली पहुँचाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी खर्च जो होता है योजना को पूरी करने में, अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर। फिर भी यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं, हम स्टेट हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बने हैं, अच्छे काम हुए राजस्थान में। सड़कें हमारी बहुत शानदार है। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं, अब हम, मैं समझता हूँ, पीछे नहीं हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार रेलवे का मामला है, यूनिगेट पॉलिसी जब से बनी, मैं खुद पार्लियामेंट मेंबर था, केंद्रीय मंत्री था, तब से मैं देख रहा हूँ राजस्थान देश में सबसे पीछे था, राजस्थान कर्नाटका। मुझे खुशी है कि मिस्टर सी के जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे तब यूनिगेट पॉलिसी बनी, उसके कारण से आज राजस्थान में 4 और ब्रॉडगेट बन गई। कुछ काम अधूरे हैं वो पूरे भी हो रहे हैं, उसमें 3 जगह आप लोग आज इसका शिलान्यास करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस रूप में
और ज़्यादा हमारे यहाँ रेलवे का विकास होगा और ज़्यादा आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम होंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसके कारण से राजस्थान देश में नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास को लेकर के। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। इस बात का मुझे गर्व है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाकी जो हमारे कुछ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहूंगा कि मैं लंबी चौड़ी आपको मांगे रखूं, मैं आपको पत्र लिखता रहता हूं और भी लिखूंगा आपको जो हमारी पेंडिंग काम है। तो विशेष तौर से जो हमारे जिला हेडक्वार्टर हमारे हैं करौली है, सलमत्रा करौली गंगापुर सेंक्शन है, ये काम रुक गया है। एक रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा जहाँ हम बैठे मेवाड़ के अंदर, उसी का पोर्शन है आदिवासी, आप तो भी पधारे थे वहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पे, तभी मैंने मांग करी थी कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बननी चाहिए। वो हमने पिछली बार तो 250 करोड़ दे ही दिए थे हम लोगों ने, काम आगे बढ़ गया था पर कुछ कारण वापस बंद हो गया। इसी प्रकार नसीराबाद से टोंक माधोपुर, टोंक जिला भी हमारा जिला वाला ही है, एक मेमो कोच फैक्ट्री डॉक्टर सीपी जोशी से रेल मंत्री तब भीलवाड़ा में हमने शिलान्यास करवा दिया, वो काम भी रुक गया। 3-4 काम की मैं बात अभी करूँगा, बाकी मैं आपको लिख के भेजूँगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो है, वैसे तो मांगे बढ़ती जाती है पर 50 नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे को आपने कन्वर्ट करने की घोषणा कर रखी है, खाली गजट नोटिफिकेशन होना बाकी उसका है। मैं चाहूँगा आप यहाँ पधारे हो तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं आपसे मांग करूँ कि आप नेशनल हाईवे को कन्वर्ट करने के लिए आप जो घोषणा हो चुकी है इन प्रिंसिपल, गजट नोटिफिकेशन होगा तो आने वाले वक्त में और राजस्थान में नेशनल हाईवे के काम होंगे। और मैं समझता हूँ कि रोड्स और कम्युनिकेशन, शिक्षा स्वास्थ्य, ये सभी इम्पोर्टेंट रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ईआरसीवी की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ, आपने कुछ कहा भी था दूसरा के अंदर, मैं चाहूँगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे, कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में। वो 13 जिले की योजना है, आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर, मैं चाहूँगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। पीने के पानी के संकट जब होता है गाँव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ा पड़ते थे, अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले, उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। प्रधानमंत्री जी, 2-3 बातों में कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। एक तो हमने नवाचार तो कई किए हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको पत्र लिखूँगा। तो राइट टू हेल्थ, एक हमने कानून पास किया है, 25 लाख का हमने इंश्योरेंस किया है आम लोगों के लिए, बहुत शानदार उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में यूपीए गवर्नमेंट थी तब 4 कानून पास हुए थे, RTI, RTE एजुकेशन का, नरेगा का और साथ में फूड सिक्योरिटी का, 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल, उसका बड़ा असर है देश के अंदर। मैं चाहूँगा आप एक कानून, 2 कानून, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे गरीबों को, मजदूरों को, बुढ़ापे के अंदर बहुत तकलीफ होती है, दुनिया भर में आप घूमते हैं, आपका बहुत अनुभव है, दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, उनके जीवन पार्जन करने के लिए। मैं चाहूँगा उस दिशा में आप आगे बढ़ें और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाएं, और एक राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले देशवासियों को। बहुत कॉस्टली इलाज हो गया आजकल प्राइवेट के अंदर भी, दवाएं बहुत महंगी है, नेक्स्ट पूरा मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर ये काम बड़े इम्पोर्टेंट रखते हैं। एक और नई जो आजकल उबर ओला और कई होम डिलीवरी वाले जो मैन पावर पैदा हुई है, लाखों में हो गई, वो उनके लिए कोई धनी दौड़ी नहीं है, जब चाहे निकाल देते हैं मालिक लोग,
हमने गिग वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर फंड क्रिएट किया 200 करोड़ का, एक्ट पास करें जिससे कि उनकी भी सुरक्षा हो सके। एक बात मुझे ये कहनी थी आपसे, बाकी जो इतने निवेदन करूंगा, आपकी उज्ज्वला योजना आपने लागू की थी, बड़े प्रेम से लागू की थी और सबको आपने फ्री कनेक्शन दिए थे गरीबों को, बड़ा इम्पैक्ट था उसका। पर धीरे धीरे सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के बढ़ने के साथ साथ हमने अभी 500 रुपये में सिलेंडर देने का प्रयास किया, जिससे कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं हम लोग, कम से कम उनको कुछ राहत मिल सके। आप इस दिशा में सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, आपको मैं पुनः आपका मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप राजस्थान, ये लोकतंत्र की खासियत है, आज यहाँ एक मंच में सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई हो, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं आपस के अंदर, विचारधारा की लड़ाई है, सबको अधिकार अपनी बात कहने का। और मैं समझता हूँ वो परंपरा देश में इस रूप में हो, जब देश में प्रेम भाईचारा प्यार मोहब्बत आपस में सभी जाति सभी धर्म के बीच में हो। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा, वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूँ कहता भी हूँ, एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है, वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारे इतिहास कहता है कि हम सब मिलके चलेंगे तो ये देश एक रहेगा अखंड रहेगा, विश्व गुरु बनने की बात होती है, कभी बन भी जाएंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में हम सबको चलना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी राज्य में तनाव या हिंसा कोई काम की नहीं है, विकास को रोकती है इंसान हमेशा, चाहे परिवार की हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, देश की हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रहे के रखे, बांध के रखे, पक्ष हो विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी तो और ज़्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके पास आ सका। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात खत्म करूँगा ये कहते हुए, जितनी भी योजनाएं देश के अंदर चलती है राजस्थान की, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए उन योजनाओं का आप प्रायोरिटी दें, जिससे कि हमारी फंडिंग पैटर्न ऐसा हो सके हम योजना पूरी कर सकें। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आपका अपनी ओर से या उपस्थित तमाम लोगों की ओर से प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश को विश्व पटल पर बहुत आगे ला रहे हैं, एक विकसित देश की ओर ले जा रहे हैं। और देवियों और सज्जनों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान को 5500 करोड़ से अधिक की लागत की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपया बटन दबाकर आज की 3 रेल और 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा करें। माननीय, चलिए अब हम एक छोटी सी फिल्म के द्वारा इन 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। जी
विकसित भारत, ये विराट संकल्प भी है और तेजी से बढ़ते भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी। बीते 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों ने तेजी से विकसित होते भारत की एक सशक्त बुनियाद का निर्माण किया है। देश के गांव और शहर आज आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश लगातार बढ़ रहा है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत राजस्थान सहित देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने के साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहाँ के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राजस्थान में पिछले 9 वर्षों में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जामनगर अमृतसर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सहित अनेक महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए आज 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं NH-25 पर बर बिलाड़ा जोधपुर खंड की 4 लेन सड़क। यह राजमार्ग जोधपुर और जयपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर से शामला जी तक 6 लेन बनने से उदयपुर डूंगरपुर क्षेत्र का जयपुर एवं गुजरात के प्रमुख शहरों के साथ संपर्क सुगम होगा, जिससे कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच आसान होगी। झाड़ोल से अंबाबेली तक के 2 लेन सड़क से राज्य की अंदरूनी कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ ही जनजातीय बहुल झाड़ोल क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। इसके साथ ही आज शिलान्यास किया जा रहा है 4 भुजा से निचली उड़न नाथ द्वारा तक 2 लेन सड़क के निर्माण कार्य का। इससे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़, श्रीनाथ जी मंदिर एवं ऐतिहासिक हल्दी घाटी तक पर्यटकों का आना सुगम होगा। पूरे क्षेत्र में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के इन प्रयासों से राजस्थान तेजी से तरक्की की ओर अग्रसर होगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सशक्त भागीदार बनकर उभरेगा। जी, और अब हम उन 3 रेल परियोजनाओं पर एक छोटी सी फिल्म देखते हैं जिनका शिलान्यास अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जी, पिछले 9 वर्षों में देश ने विकास के नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले 9 वर्षों में देश ने लगातार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में जिस स्पीड और स्केल के साथ इन 9 वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, उसने विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखी है। देश की लाइफलाइन भारतीय रेल का भी कायाकल्प हुआ है और जन जन की रेल अधिक तेज, आधुनिक, स्वच्छ, सुविधाजनक और सुरक्षित बनी है। राजस्थान सहित देश भर में आज रेल की बदलती तस्वीर आगे बढ़ते भारत का ही अभिनव प्रतिबिंब है। रेलवे लाइनों के साथ साथ राजस्थान के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे में गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के जो काम बीते वर्षों में हुए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों को हुआ। राजस्थान के पर्यटन और सामरिक महत्व को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेशवासियों को रेलवे की लगातार महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुए आज लगभग 1500 करोड़ रुपए लागत की 3 रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है।
भगवान श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु नाथ द्वारा आते हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर रेल साधन मिले इसके लिए मावली नाथ द्वारा से मारवाड़ की ओर जाने वाली रेल लाइन का देवगढ़ मदारिया से परिवर्तित लाइन तक 83 किलोमीटर रेल लाइन का गेज परिवर्तन किया जा रहा है। इस क्षेत्र की नैसर्गिक सुंदरता को देखते हुए और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवगढ़ से मारवाड़ जंक्शन रेल खंड को मीटर गेज के रूप में ही हेरिटेज स्वरूप में रखा जाएगा। इसके साथ ही नाथद्वारा से नाथद्वारा टाउन तक लगभग 10 किलोमीटर की नई रेल लाइन के निर्माण से श्री नाथ जी मंदिर आने वाले भक्तों को आसानी होगी और इस क्षेत्र का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर के लिए सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा तथा क्षेत्र के विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के विजन के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल उदयपुर में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट की आधारशिला रख रहे हैं। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए 354 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां 72 मीटर चौड़ाई का विशाल एयर कॉन्कोर्स होगा जिसमें फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, शॉपिंग मॉल, वेटिंग और प्ले एरिया जैसी सुविधाएं होगी। लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांग जन अनुकूल सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे, भूमिगत पार्किंग और स्काई वॉक आदि यात्रियों की सहूलियत बढ़ाएंगे। भारत सरकार की इन सभी अत्याधुनिक परियोजनाओं से राजस्थान विकास और उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर होगा और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। देवी और सज्जनों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास देश के कोने कोने तक पहुंचा है, हर छोर तक पहुंचा है और माननीय आपके निरंतर प्रयासों से देश को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और हम बहुत तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हैं। तो अब मैं हमारे यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया आप अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय, भगवान श्रीनाथ जी की जय। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, विधानसभा के स्पीकर श्रीमान सीपी जोशी जी, राज्य सरकार के मंत्री श्री भजनलाल जाटव जी, संसद में मेरे साथी और राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश जोशी जी, संसद में सारे साथी बहन दिया कुमार जी, संसद के मेरे साथी श्रीमान कनकमल कटारा जी, सांसद श्री अर्जुन लाल मीना जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान श्रीनाथ जी और मेवाड़ की इस वीर धरा पर मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। यहां आने से पहले मुझे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने श्रीनाथ जी से आजादी के इस अमृत काल में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। साथियों, आज यहां राजस्थान के विकास से जुड़े
5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उदयपुर और शामलाजी के बीच नेशनल हाईवे 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। इससे शामलाजी और काया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच बहुत ही सुलभ होगी। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। चार भुजा और निचली ओडन के प्रोजेक्ट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और सुनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। श्री नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया की रेलवे लाइन मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ेगी। इससे मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग इंडस्ट्री को और व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। मैं सभी राजस्थान वासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है।
साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है। जब नई सड़कें बनती हैं, नई रेल लाइनें बनती हैं, जब गांव में पीएम आवास योजना के करोड़ों घर बनते हैं, करोड़ों शौचालय बनते हैं, जब गांव में लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछता है, हर घर जल इसके लिए पाइप बिछाया जाता है, तो इसका लाभ जो स्थानीय छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जो इस प्रकार की चीजों को सप्लाई करते हैं, उन छोटे मोटे दुकानदारों को भी, उस इलाके के श्रमिकों को भी इसके कारण बहुत लाभ मिलता है। भारत सरकार की इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो चार पांच साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो चार पांच साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथ द्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टांटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता? और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबा पे लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है। हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं। पानी के लिए लाखा मंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था।
हालत ये है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चारों पर बावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है, मतलब हर एक को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे। उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टियों का जमघट इकट्ठा करेंगे। साथियों, दूर दृष्टि के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने का नुस्खान राजस्थान ने भी बहुत उठाया है। इस मरुभूमि में कनेक्टिविटी के अभाव में आना जाना कितना मुश्किल होता था ये आप भली भांति जानते हैं, और ये मुश्किल सिर्फ आने जाने तक सीमित नहीं थी बल्कि इससे खेती किसानी व्यापार कारोबार सब कुछ मुश्किल था। आप देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना साल 2000 में अटल जी की सरकार ने शुरू की थी। इसके बाद 2014 तक लगभग 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई। बावजूद उसके देश के लाखों गांव ऐसे थे जहां सड़क संपर्क से कटे हुए थे। 2014 में हमने संकल्प लिया कि हर गांव तक पक्की सड़कें पहुंचाकर रहेंगे। पिछले 9 वर्ष में ही हमने लगभग 9 वर्ष में साढ़े तीन लाख किलोमीटर नई सड़कें गांवों में बनाई। इनमें से 70,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें यहां अपने इस राजस्थान के गांवों में बनी है। अब देश के ज्यादातर गांव पक्की सड़कों से जड़ चुके हैं। आप कल्पना करिए, अगर यही काम पहले हो गया होता तो गांव कस्बों में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को कितनी आसानी हो गई होती। साथियों, भारत सरकार आज गांवों तक सड़क पहुंचाने के साथ ही शहरों को भी आधुनिक हाईवे से जोड़ने में जुटी है। 2014 से पहले देश में जिस गति से नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा था, अब उससे दो गुनी तेजी से डबल स्पीड से काम किया जा रहा है। इसका भी लाभ राजस्थान के अनेक जिलों को मिला है। कुछ समय पहले ही मैंने दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे उसके एक प्रमुख सेक्शन का लोकार्पण किया है। भाई और बहनों, आज भारत का समाज आकांक्षी समाज है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है। आज 21वीं सदी के इस दशक में लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं। सरकार में होने के नाते ये हम सभी का दायित्व है कि भारत के लोगों की इस आकांक्षा को, राजस्थान के लोगों की इस आकांक्षा को हम सब मिलकर के पूरा करें। हम सब जानते हैं कि सड़क के साथ ही कहीं जल्दी आने जाने के लिए रेलवे कितनी जरूरी होती है। आज भी गरीब या मध्यम वर्ग को
सब परिवार कहीं जाना है तो उसकी पहली पसंद रेल ही होती है। इसलिए आज भारत सरकार अपने दशकों पुराने रेल नेटवर्क को सुधार रही है, आधुनिक बना रही है। आधुनिक ट्रेनें हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, आधुनिक रेलवे ट्रैक्स हो, हम हर स्तर पर एक साथ चारों दिशाओं में काम कर रहे हैं। आज राजस्थान को भी उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल चुकी है। यहां मावली मारवाड़ गेज परिवर्तन की मांग भी तो कब से चल रही थी, यह पूरी हो रही है। इसी तरह अहमदाबाद उदयपुर के बीच पूरे रूट को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी कुछ महीने पहले पूरा हुआ है। इस नए रूट पर जो ट्रेन चल रही है उसका बहुत लाभ उदयपुर और आसपास के लोगों को हो रहा है। साथियों, पूरे रेल नेटवर्क को मानव रहित फाटकों से मुक्त करने के बाद हम अब तेजी से पूरे नेटवर्क का बिजलीकरण कर रहे हैं। हम उदयपुर रेलवे स्टेशन की तरह ही देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और इन सबके साथ ही हम मालगाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रैक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। साथियों, पिछले 9 वर्षों में राजस्थान का रेल बजट भी 2014 की तुलना में 14 गुना बड़ा है। बीते 9 वर्षों में राजस्थान के लगभग 75% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण किया जा चुका है। यहां गेज परिवर्तन और दोहरीकरण का बहुत बड़ा लाभ डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, पाली, सिरोही और राजसमंद जैसे जिलों को मिला है। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान भी रेल लाइनों के 100% बिजलीकरण वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। भाई और बहनों, राजस्थान की बेहतर होती कनेक्टिविटी से यहां के टूरिज्म को, हमारे तीर्थ स्थलों को बहुत लाभ हो रहा है। मेवाड़ का एक क्षेत्र तो हल्दी घाटी की भूमि है। राष्ट्र रक्षा के लिए राणा प्रताप के शौर्य, बामा शाह के समर्पण और वीर पन्ना धाय के त्याग की गाथाएं इस मिट्टी के कण कण में रची बसी है। कल ही देश ने महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उन्हें पुण्य भाव से स्मरण किया। अपनी विरासत की इस पूंजी को हमें अधिक से अधिक देश दुनिया तक ले जाना आवश्यक है। इसलिए आज भारत सरकार अपनी धरोहरों के विकास के लिए अलग अलग सर्किट पर काम कर रही है। कृष्णा सर्किट के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थों को, उनसे जुड़े आस्था स्थलों को जोड़ा जा रहा है। यहां राजस्थान में भी गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी और श्रीनाथ जी के दर्शनों को आसान बनाने के लिए कृष्ण सर्किट का विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, भारत सरकार सेवा भाव को ही भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है। जनता जनार्दन का जीवन आसान बनाना हमारी सरकार के सुशासन की प्राथमिकता है। हर नागरिक के जीवन में सुख सुविधा और सुरक्षा को कैसे विस्तार हो, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ
आप सभी को विकास कार्यों की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। Thank you.